दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी जियो सिम के अगर ओनर का पता करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उसका परमानेंट एड्रेस तक भी पता कर पाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसके लिए उसकी सिम आपके पास होना जरूरी है। क्यों, कभी क्या होता है दोस्तों, आपको कोई सिम पा जाती है या फिर आपके फैमिली में कोई सिम होती है जिसे आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो किस डॉक्यूमेंट पे फैमिली मेंबर के नाम से उसको बाय किया गया था। तो अगर आप उसके ओनर की डिटेल जानना चाहते हैं या उसके परमानेंट एड्रेस को जानना चाहते हैं तो आज की इस प्रोसेस से आप उसको ईजिली जान पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है माई जियो एप्लीकेशन। अब आप में से काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसमें किस तरह से डिटेल निकाली जाती है इसकी जानकारी आप में से बहुत कम लोगों को होगी। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखते रहिए। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जियो एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इसमें उस मोबाइल नंबर से यानी कि आपको अपने जियो नंबर से इसको लॉगिन करना होगा जिसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं, जो भी सिम आपके पास है। तो मैंने जैसे कि यहां पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ, तो चलिए मैं डायरेक्ट इसको यहां पे ओपन कर लेता हूं। मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ये ओपन हो जाती है। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली थ्री डॉट पे जाना है। जैसे आप थ्री डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर ही आपको सिम के ओनर का नाम देखने को मिल जाएगा, जिस किसी आधार कार्ड नंबर से यानी कि जिस पर्सन के नाम से सिम को बाय किया गया था उसका नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ओनर की डिटेल तो पता चल गई। अब आप जानना चाहते हैं कि इसका एड्रेस क्या है, यानी कि इसका परमानेंट एड्रेस वगैरह, इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या इसके बारे में कोई अल्टरनेटिव नंबर वगैरह भी आप जानना चाहते हैं तो उसको किस तरह से जानेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो नाम शो रहा है इस नेम पे आपको एक बार टैप कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड यहां पे नेम शो रहा है, इसके नीचे मोबाइल नंबर शो रहा है। और इसके बाद आपको करना क्या होगा कि यहां पर नीचे आपको दो लिंक नजर आ रही है, एक लिंक अकाउंट की और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एडिट प्रोफाइल का, तो आपको सिंपली एडिट प्रोफाइल पर टैप कर देना है। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पर टैप करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल चुका है, यानी कि इस ओनर का नाम तो आपको पता चल ही गया था। इसके अलावा इसकी डेट ऑफ बर्थ भी आप यहां से देख सकते हैं, और इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि जब भी हम जियो की सिम बाय करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमसे हमारा एक अल्टरनेटिव नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस सिम के ओनर का अल्टरनेटिव नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इसका सेकंड नंबर भी आपको मिल गया। इसी तरह से अगर उसने अपना ईमेल अकाउंट वगैरह यहाँ पे ऐड किया होगा तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये तो हो गई दोस्तों इतनी डिटेल की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस किस तरह से देखना है। तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं बॉटम में आपको परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे नाम से सिम है तो मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से आप जिस किसी भी ओनर की सिम का यहाँ पे डिटेल निकालेंगे उसका भी परमानेंट एड्रेस आप यहाँ से इस तरह से देख पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी किसी जियो सिम के ओनर के बारे में पूरी डिटेल निकालना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से इजिली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।